हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है बेटा? तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर की असाइनमेंट के साथ। तो पहले कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे असर्शन रीजनिंग फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर कितना है भाई? 75% अप्रोक्सीमेटली 75% आ जाता है। कहते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इनमें से कौन है जो बायोटिक कॉम्पोनेंट का पार्ट नहीं है? एयर। द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय रेडिएशंस विच आर मेनली कौन? रेडिएटेड बाय द सन। रेडिएटेड बाय द सन। कहते हैं इफ देयर वर नो एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, go on decreasing, increase during day and decrease during night, या be unaffected? C. go on decreasing temperature। अगर atmosphere ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जैसे moon के ऊपर atmosphere नहीं है तो moon पे temperature जो है बेटा वो बहुत low होता है। रेनफॉल पैटर्न्स डिपेंड्स अपॉन अंडरग्राउंड वाटर, नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एरिया, डेंसिटी पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, द प्रिवेलिंग सीजन इन एन एरिया। द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया। और कोई? अंडरग्राउंड वाटर टेबल। हाँ जी, तो फिफ्थ का हमने क्या डिसाइड किया? रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स अपॉन number of water bodies in an area। कहते हैं the term water pollution can be defined in several ways, which of the following statement does not give the correct definition? Addition of undesirable substances to water bodies, ये सही है। The removal of desirable substances from the water bodies, ये भी सही होता है। A change in pressure of a water body, या अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वॉटर बॉडी, कौन सी पार्ट? सेवेंथ कहते हैं द मार्क्ड टेम्परेचर चेंजेस इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, मोर ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोर ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। Marked temperature change in aquatic। Yes, more growth of aquatic plants। नहीं बेटा, high temperature पे जरूरी नहीं है कि ज़्यादा aquatic animals grow करेंगे। Breeding of animals is affected। Okay। तो breeding जो है वो एक temperature range में होता है। आगे बढ़े? Yes, sir। नेक्स्ट एट क्वेश्चन। वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर बॉडीज, ये सही है। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज, ये भी सही है। कॉजिंग अ चेंज इन द टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। टॉप सॉइल कंटेन्स द फॉलोइंग, humus and living humus, sorry, humus and living organisms only, humus and soil particles, humus living organism and plants, and humus living organism and soil particles, humus living organisms and plants।
प्लांट्स जरूरी नहीं है बेटा, अगर ये सब चीजें होंगी तो ही तो प्लांट ग्रो करेंगे। तो इट इज ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल पार्टिकल्स, देन ओनली ग्रोथ ऑफ प्लांट विल टेक प्लेस, राइट। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ Presence. मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें उस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रोजन ढंग से फिक्स नहीं हो पाता है। 11 कहते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द सॉइल, एनी ऑफ द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड, या द प्लांट्स यूज एज अ सीरियल क्रॉप्स इन द फील्ड। ए द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, है ना, वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन द वॉटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर, कौन सा है भी? फोटोसिंथेसिस वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस। व्हाट वुड happen if all oxygen present in the environment is converted to ozone? What would happen if सारा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट का ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा? will become poisonous and वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, ओजोन इज नॉट स्टेबल हेंस इट विल बी टॉक्सिक, या फिर इट विल हेल्प हार्मफुल सन रेडिएशंस टू रीच अर्थ एंड डैमेज मेनी लाइव्स। B बी इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, क्योंकि लिविंग फॉर्म्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ओजोन नहीं चाहिए। 14th कहते हैं द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमोस्फेयर आर वाटर एंड ओजोन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन एंड ऑक्सीजन वेरी गुड, ओजोन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, फिफ्टींथ, ओजोन होल मीन्स अ लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, स्मॉल होल स्कैटर्ड इन द ओजोन लेयर, या थिकनिंग ऑफ ओजोन इन इन द ओजोन लेयर। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का पतला होना इज नोन एज ओजोन होल, तो डोंट अज्यूम कि उसमें होल्स होने शुरू हो जाएंगे। 16 कहते हैं ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ मैनमेड कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, एंड एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड जिनके अंदर फ्लोरीन एंड क्या है, क्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, और ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। 18 कहता है एलिमेंटल ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज नॉर्मली फाउंड इन फॉर्म ऑफ
single oxygen atom, two atoms of oxygen compound with other elements and triatomic molecule. Diatomic molecule. Diatomic molecule. O2. नाइनटीन्थ कहते हैं ऑक्सीजन इज रिटर्न टू एटमोस्फेयर मेनली बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ऑफ फंगाई. वेरी गुड. फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच गिव्स ऑफ ऑक्सीजन बैक टू द एनवायरनमेंट. ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर फर्न्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, चारा और मैंगो ट्री. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अभी एक आया था ना, इसी का एक और एमसीक्यू ऊपर आया था जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो पाता, वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते. नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट दैट मच परसेंट ऑफ आर एटमोस्फेयर. अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट? 78%. आया समझ में? Yes, sir. So let's move to assertion and reasoning questions. First question. In coastal regions during the day, the direction of wind would be from sea to land. Is it true or false? So, option is true. The air above the land gets heated faster than the air above the sea. It is true and it is the correct explanation for the above. Second, diverse atmospheric phenomena can be seen in different regions of Earth. Matlab Earth ke alag alag regions pe alag alag atmospheric phenomena hote hain. Ye sahi hai. Kahin pe thand zyada hai, kahin pe garmi bahut zyada hai, kahin pe garmi kam hai, and so on. Because there is uneven heating of the atmosphere in different regions, it is true and it is the correct explanation. Kahin pe garmi zyada hai, kahin pe heating atmosphere ka zyada hai, kahin pe heating atmosphere ka kya hai? Kam hai. Is wajah se uneven heating pure earth pe ho rahi hai. Third, the water vapor in the air condenses in the form of tiny droplets. Yes. True. The condensation of water is facilitated with some particles act as a nucleus for these drops. The condensation of water is facilitated if some particle act as a nucleus for the drop. It is true, but it is not the correct explanation. Fourth, precipitation may occur in form of snow, sleet or hail. True. When the water droplets become big and heavy, they fall down in form of rain. This is also true, but it is not about snow and all. Ye to sirf rainfall ke baare mein. Next. Acid rain contains oxides of sulfur and nitrogen. True. Burning of fossil fuel produces the oxides of sulfur and nitrogen. True. In cold weather, visibility of surroundings is greatly reduced. True. Fog ho jata hai is wajah se. The combustion of fossil fuels increases the amount of suspended particles in air. This is also true.
Next, seventh. In rural areas, people spend considerable amount of time in fetching water from far away sources. True. In rural areas, water supply systems have been adequately installed and maintained. False. नहीं तो फिर ऐसा वो फेच करने की दूर दूर क्यों जाएंगे? Water is not essential for survival of all living organisms. False. All the reactions that take place within the cell of the body occur between substances that are dissolved in water. True. तो सारी रिएक्शन जितनी भी होती है वो पानी में डिसॉल्व जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं की होती है. नाइन्थ. टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर टू परफॉर्म सेलुलर फंक्शंस. ट्रू. नॉट ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वाटर एज अ मीडियम. फॉल्स. द अवेलेबिलिटी of water in a particular area does not influence the diversity of the life there. False. Yes, it influences. It is false. The availability of water is the only factor that decides the sustainability in the life in the region. No. Temperature hai, plants hai, food resources hai, sab kuch decide karta hai. Next. Removal of dissolved form from water bodies contribute to water pollution. True. The dissolved oxygen adversely affects the aquatic organisms. True. Adversely, the dissolved oxygen adversely affects the water organisms. False. Affect थोड़ी ना करेगी, वो तो उनको ठीक करेगी, हेल्प करेगी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. असर्शन नंबर 12. अ सडन मार्क्ड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डजंट अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ. इट इज फॉल्स. द एग्स एंड लार्वा ऑफ वेरियस एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर ससेप्टेबल टू द टेम्परेचर चेंज. दैट इज ट्रू. Huge rocks develop cracks during night. True. During night. That is false. Night mein nahi aate cracks. Day and night mein aate. All parts of the rocks do not undergo expansion and contraction at the same rate. Ye sahi hai. Water helps in formation of soil. True. Water inside the deep cracks in the rocks melt and causes the cracks to widen. No. False. Soil is found in places close to its parent rock. True. False. The rubbing of rocks against each other causes the rocks to give rise to bigger and particles, bigger and bigger particles. No, false. Humus is not a factor in deciding the soil structure. False. It is a factor. Humus causes the soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. True. Nitrogen and oxygen are examples of greenhouse gases. False. False.
An increase in the percentage of nitrogen and oxygen in the atmosphere causes the average temperature to increase worldwide. False. The air over land gets heated faster than the air over the water bodies. True. The land gets heated faster than water. True and correct explanation. तो हमने यहाँ पे सारे assertion and reasoning कर लिए. अब हम बात करते हैं practice question की. Question number one. How is the atmosphere different from the atmosphere of Venus and Mars? ये तो हमारा NCERT का भी question रह चुका है. हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 0.09% है, बहुत कम है. पर वीनस एंड मार्स इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ऑफ मेजर अमाउंट. इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओवरऑल टेम्परेचर यहां पे बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर. आई होप समझ में आ गया क्लास. yes. आगे बढ़े. yes, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट as a blanket to our earth? Because firstly it allows limited heat radiations to enter. सारी हीट को वो एंटर हमारे अर्थ के क्रस्ट पे नहीं आने देता, लिमिटेड हीट रेडिएशंस को ही वो एंटर करने देता है. ठीक है. एंड दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन. प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेस. व्हाट कॉजेज विंड? अनइवन heating of earth leads to hot air and cold air due to which hot air rises and cold air takes its place causes wind. है ना, अर्थ के सरफेस का अनइवन हीट होना जिसकी वजह से एयर कहीं पे ज्यादा गर्म है, एयर कहीं पे कम गर्म है, तो हॉट एयर राइज करती है और कोल्ड एयर जब उसकी प्लेस लेती है तो विंड ब्लो करती है क्योंकि एयर मूव करती है. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब टाइनी वॉटर वेपर्स आपस में कंडेंस करके स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. इन सब के आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे. फिफ्थ कहते हैं, लिस्ट थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज दैट वुड यू थिंक टू लीड टू एयर पोल्यूशन. है ना, सबसे पहली एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Burning of fossil fuels. Next कौन सी हो जाएगी? Smoke from industries. Smoke from industries
and factories. Or third, deforestation. Yes, sir. है ना, फॉरेस्ट कट कर देंगे तो ऑक्सीजन आएगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता रहेगा. व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर टू कैरी ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन वाटर एज मीडियम, क्योंकि वो सारे केमिकल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म्स के अंदर होते हैं. व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन सिटी, टाउन, विलेज, वेयर यू लिव? तो हमारे यहां पे फ्रेश वाटर कौन सा आता है भाई? रेन वाटर और कौन सा? ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मेन यही तो फ्रेश वाटर. हाउ डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस? डू यू नो एनी ऑफ द एक्टिविटी विच मे लीड टू वाटर पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर? Excessive use of fertilizers and pesticides. Very good. Excessive fertilizers and pesticides. How is soil formed? कौन बताएगा फिर? फर्स्ट डीकंपोजर्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स into simple forms which gets deposited in the upper layer of ground. Second, rubbing of water on mineral rocks leads to finer mud particles which collect to form what? Soil. ठीक है? And essential elements like nitrogen, phosphorus, carbon, oxygen collectively, ठीक है ना, क्या बनाते हैं? Humus along with water which forms soil. What is soil erosion? It is the removal of top layer of soil, you know, due to some natural disaster is known as soil erosion. अब वो floods भी हो सकते हैं, ठीक है? Water नहीं मिलेगा soil को तो वो dry हो जाएगा that way. कहते हैं what are the methods of preventing or reducing soil erosion? सबसे पहले तो फार्मिंग करना, रेगुलर फार्मिंग. अगर आप फार्मिंग नहीं कर रहे तो आप उसके ऊपर ग्रास ग्रो कर दीजिए. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. देन थर्ड क्या होता है? क्रॉप रोटेशन. आप एक ही क्रॉप बार बार मत बन ग्रो कीजिए, आप क्रॉप्स को मल्टीपल रोटेट कीजिए, कभी ये कभी वो, उससे सॉइल जो है वो फर्टाइल रहता है. ठीक है. अच्छा, देन होता है यूज ऑफ एम्बैकमेंट्स. आप फार्मिंग एम्बैकमेंट्स, आप फार्मिंग लैंड के आसपास वॉल्स बना दीजिए ताकि
फ्लडिंग जो है सॉइल के ऊपर ना हो, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि एक्सेस वाटर सॉइल के ऊपर कलेक्ट ना हो. देन 12th कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग वाटर साइकिल. आइस, वाटर एज लिक्विड एंड वाटर वेपर. Name two biologically important compounds that contain both oxygen and nitrogen. Two biological important compounds. अब आप proteins लिख सकते हैं, आप amino acids लिख सकते हैं, और आप vitamins तो नहीं आएगा. बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बोले है ना? फैट्स? हाँ जी, सॉरी बेटा, फैट्स? फैट्स नहीं, उसमें नहीं आएंगे. लिपिड्स कह सकते हैं. सर लिपिड्स एंड फैट्स में क्या डिफरेंस है? बेटा फैट्स एक सिंपल आंसर है, लिपिड्स कैटेगरी ऑफ फैट्स में आ जाते हैं. लिस्ट any three human activities which could lead to increase in the carbon dioxide content of air. To beta iska answer to humne abhi ye likha, burning of fossil fuel, hai na, smoke from industries and factories and deforestation. What is greenhouse effect? To ye kya hota hai? Trapping of heat radiations by CO2 in atmosphere is known as greenhouse effect, due to which temperature of earth increases. Then kehte hai, what is soil pollution? Undesirable substances mixed in soil which leads to decrease of its fertility is called soil pollution. Give two effects of soil erosion. Beta, no vegetation. Or unnecessary heating of land. Heating of land जो barren हो चुका है. Nineteen कहता है, give one example of inexhaustible and exhaustible resources. Inexhaustible resource क्या है हमारे पास? Sunlight. Sunlight. एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या है हमारे पास? नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स. नेम द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट. एटमॉस्फेयर, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर. मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर प्रेजेंट. ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चंस करो. तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हाउ ओजोन लेयर इज यूजफुल टू अस. बेटा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. हाँ, यूवी रेज ऑफ द सन. नेम वन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो रिन्यू नहीं हो सकता. Fossil fuels,
है ना, ये रिन्यू नहीं हो सकते। कहते नेम एनी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ये तो अभी हमने कर लिया था, दैट इज सनलाइट। वॉटर बेटा इज एग्जॉस्टेबल, बेटा ड्रिंकिंग वॉटर अलग होता है और सी वॉटर ओशन वॉटर जो है बेटा वो अलग होता है। तो एट प्रेजेंट ड्रिंकिंग वॉटर जो है बेटा वो एग्जॉस्टेबल है, तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। Which of the following two gases have more affinity for hemoglobin? Carbon monoxide. तो अगर कोई इंसान कार्बन मोनोक्साइड गैस को इनहेल कर लेता है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोक्साइड के साथ ज्यादा अटैच होना प्रेफर करता है। तो ये हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम। 26th कहते हैं name the compound present in marble which reacts with the acids present in the acid rain। तो एक ताजमहल वाला केस है। So what is the answer to the 25th one? Which of the following बेटा carbon monoxide। तो मार्बल में क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। Name the two processes which contribute in soil formation. कौन कौन से दो processes हैं जो soil formation में contribute करते हैं? बताओ भाई। एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिग रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। वेदरिंग जो है वो इसी में ही आ जाएगा, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के बिहाफ पे वेदरिंग हो जाता है। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा डीकंपोजिशन ऑफ, डीकंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन सिंपल फॉर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ? न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, इट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म। व्हाट आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज व्हिच विल नेवर एंड, नेवर फिनिश, आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, लाइक सनलाइट। गिव टू वेज इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। फर्स्ट, plants and trees absorb, plants and trees absorb CO2 by the process of photosynthesis, और दूसरा होता है aquatic species absorb CO2 to form shells, है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के होते हैं। Name the article which act as a nucleus for water droplet to form around in an atmosphere. Dust particles.
एक्सप्लेन द फिनोमिन ऑफ एसिड रेन यूट्रोफिकेशन ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा ये. नेम द रेस्पिरेटरी डिजीजेस दैट मे अकर ड्यू टू एयर पोल्यूशन एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस डिजीजेस. List main sources of water pollutants. Dumping, waste, and sewage. And sewage in water. Okay. Then. Killing of blue green algae, which helps in balancing water maintenance. वो water को clean करना clean करती है. What are non biodegradable substances? Substances which cannot be broken down into simpler forms. Substances which cannot be broken into simpler forms. Name the two types of biogeochemical cycles: water cycle, carbon dioxide cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle. Name two examples of greenhouse gases: carbon dioxide is a greenhouse gas. Argon is a greenhouse gas. Give two examples of nitrifying bacteria. Kaun se hai nitrifying bacteria? हाँ जी भाई, कौन सा था नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? एक तो नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये लिख लो भाई, नाइट्रोबैक्टर, और एक हो गया नाइट्रोसोमोनस. ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस में आर्गन की जगह मीथेन लिख दो बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेम टू सोर्सेज ऑफ कार्बन. कार्बन कहां से आता है? फॉसिल फ्यूल्स, राइट? तो फॉसिल फ्यूल्स में आप ऐसे कर दो, कोल एंड पेट्रोलियम लिख दो, कोल एंड पेट्रोलियम. Name two measures which prevent the soil erosion. First, embankments, crops, plants and trees around farm. ठीक है, growth of trees, growth of plant and trees. और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट डू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर इन द सॉइल? तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब वाटर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक. Combined water in the soil, मतलब substance which can attach to water. तो hydroscopic absorbs water और soil attaches with water.
Are these available to plants? Yes, they are available. What is eutrophication? ये ऊपर भी आया था. तो it is the process of presence of extra nitrogenous and phosphate fertilizers which leads to excess growth of algae in water bodies. है ना? तो presence of extra nitrogen and phosphate in fertilizers जिसकी वजह से algae की growth वॉटर के अराउंड ज्यादा हो जाती है. वॉट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? इसकी वजह से ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व होता है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स डेड हो जाते हैं. समझ में आया क्लास? नेम टू फ्रेश वॉटर सोर्सेज विच प्रोवाइड फ्रेश वॉटर टू ह्यूमन यूज. तो ग्राउंड वॉटर एंड रेन वॉटर. Give the role of atmosphere in climate control. Provides, protects from UV rays. Provides essential heat. And provides a proper temperature range for species to live. ठीक है? Explain natural and man-made sources of air pollution. Natural air pollution का source क्या हो जाएगा? Forest fires. Forest fires. Very good. और मैन मेड सोर्सेस क्या होंगे? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ये हमने डिस्कस कर लिया. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स कॉन्ट्रीब्यूट इन सॉइल फॉर्मेशन? है ना? तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म के अंदर क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं. Explain one direction of movement of air during the day and night in coastal areas. So during daytime, है ना? कहाँ की air ज़्यादा गर्म हो जाती है? Land की. और कहाँ की air देर बाद गर्म होती है? Water की. तो इसलिए air flows from water to land. Explain ozone layer, its depiction and effects of ozone depiction. Depiction, you want to see depletion and effects of ozone layer. The word is not right. Depletion hona chahiye. So ozone layer is the second form of oxygen in the atmosphere. Its depletion is due to the reaction of chlorofluorocarbons, and due to its depletion, harmful UV radiations will enter our Earth's atmosphere. आगे बढ़े. Then 50th says, list two main sources of emission of carbon monoxide. Incomplete combustion of fossil fuels. Incomplete combustion of fossil fuels. Taken. And second, emissions from factories. Yeah, smoke from factories, the industries. How carbon monoxide is poisonous and harmful? It combines with hemoglobin and reduces oxygen carrying capacity of hemoglobin.
Name two acids that are usually present in rainwater: sulfuric acid, sulfurous acid, nitric acid. How these acids affect our heritage monuments such as Taj Mahal? It is made up of marble, which contains calcium carbonate, and calcium carbonate reacts with these acids. Hence, it is becoming yellowish in nature. List two bacteria bring out nitrification: Nitrobacter and Nitrosomonas. Name one denitrifying bacteria. Which is a denitrifying bacteria? Pseudomonas is a denitrifying bacteria. So, likh lo, Pseudomonas. List any two bacteria which play a role in biological fixation. Wo kaun honge bhai? Nitrobacter, Nitrosomonas. Nitrobacter, Nitrosomonas. Then 53rd. Capillary water, hydroscopic water and combined water. आपको इनके बीच में differentiate करना है. तो capillary water जो होता है xylem and phloem के अंदर travel करता है. Hydroscopic water वो होता है जिसके अंदर water particles जो होते हैं attached होते हैं. And combined water क्या होता है जिसके अंदर water के अंदर particles dissolved होते हैं. Which of the above type is drawn from the plant from the soil? Combined water. Then it says, briefly describe rainwater harvesting. आपको ये नोट्स में मिल जाएगा. तो हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं रिसोर्सेस के अंदर, आर्टिफिशियल डैम्स के अंदर, जिसको हम जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. So this is known as rainwater harvesting. और इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, इससे हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. Then 54th, list at least three gaseous air pollutants: sulfur dioxide, carbon dioxide, sulfur trioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, dust particles emitted from automobiles and industries. Also give their harmful effects on health of the human beings. They combine with water to form what? Acids. Which causes what? Acid rains. Fossil fuels are termed non-renewable sources. Why? Because one day they will get finished and we cannot renew them again and again. So they are a limited resources. Solar energy is considered inexhaustible because sun will keep on giving solar energy for many further years. For our earth, it is a renewable source of energy and inexhaustible. Kabhi khatam nahi hogi. Why is atmosphere considered as a protective blanket for living organisms? Because it protects us from harmful UV radiation. First. Second, it protects the usable gases under its under the earth, on the earth crust. And third, right amount of heat is allowed for the earth's atmosphere to have to, you know, sustain life. Then kehta, what causes movement of air? Uneven heating of earth atmosphere
ठीक है ना, causes movement of air. Increased loading of nutrients in the water bodies result in algal bloom. Then how is eutrophication harmful to aquatic life? तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम पानी की ज्यादा हो जाएगी जिससे एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो एल्गे अगर ज्यादा ग्रो हो जाएगी तो वो पानी की ऑक्सीजन सारी कंज्यूम कर लेगी तो एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्सेस की असाइनमेंट. तो आई होप बच्चों आपको हमारी आज की असाइनमेंट डिस्कशन जो थी वो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन असाइनमेंट्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें. अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम हर चैप्टर की असाइनमेंट नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलती रहे. मिलेंगे हम बहुत जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस.